أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال بعيد بل الظالمون في ضلال مبين پڑھو اسماء الہی کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہوئے جس کی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں لا متناہی اور لا زوال ہیں. ہدایت یافتہ اور گمراہ کا فرق. الف لام میم رموز و اشارات یہ حکیمانہ کتاب کی آیتیں ہیں. اچھا کام کرنے والوں کے لیے سر تا سر رحمت اور ہدایت ہے. جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور وہی کامیاب و کامران ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تفریحی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں, ان کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں, مقصد اللہ کے راستے سے اپنی جہالت کے ساتھ لوگوں کو ہٹانا ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے نظام کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کو رسوا کن سزائیں دی جائیں گی, ان کو رسوا کن سزائیں دی جائیں گی. اس بے حیا کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر سے رخ پھیر لیتا ہے, گویا اس نے سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان میں ڈانٹ گھسی ہوئی ہے. اس کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو. جو لوگ مومن ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ کی قدرت کے مناظر, اللہ نے آسمانوں اور فضاؤں کو بغیر ستونوں کے قائم کر دیا ہے, تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے کہ زمین تم کو لے کر ہچکولے نہ کھانے لگے.
और उसमें हर तरह के जानदार फैला दिए हैं, और बादलों से हमने पानी बरसाया जिससे रंग बिरंग के उम्दा पौधे उगा दिए। ये अल्लाह की तख्लीकात हैं, भला हमें दिखाओ कि अल्लाह के अलावा औरों ने क्या पैदा किया। हकीकत यह है कि यह जालिम खुली गुमराही में मुब्तला है। सूरतु लुक्मान की ये इब्तदाई आयतें, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 11 तक आयत करीमा की तिलावत की गई है और उनका रवां तर्जमा पेश किया गया है। सूरह लुक्मान का नाम सूरह लुक्मान इसलिए रखा गया है कि इस सूरह में इन आयात के बाद हजरत लुक्मान हकीम का तذکرہ फरमाया गया है और उनकी नसीहतों और वसीयतों का तذکرہ किया गया है जो ख़ास तौर पर उन्होंने अपने बेटे को मुखातब करते हुए फरमाई थी। इस मुनासबत से ये सूरह लुक्मान कहलाती है। मौजू इसका तौहीद है, इसका मौजू रिसालत है, इसका मौजू आखिरत है, साथ ही साथ जो नसीहतें तौहीद से मुतालिक हैं, अखलाकियात से मुतालिक हैं, इबादात से मुतालिक हैं, उनका हज़रत लुक्मान हकीम की ज़बान से तज़किरा फरमाया गया और अल्लाह की वहदानियत से मुतालिक जो हकायक हैं उनका बयान फरमाया गया है। सूरतु लुक्मान मक्की सूरह है और लुक्मान हकीम से अरब के लोग वाकिफ थे। मक्के के लोगों को ये मालूम था कि लुक्मान नाम की एक शख्सियत गुजरी है जिनकी बड़ी हकीमाना बातें बयान की जाती हैं। एक ख़याल ये था मौर्रखीन का कि लुक्मान कौम आद के उन अफराद में थे जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ जिन अहले ईमान को अल्लाह ने नजात दी थी उनकी औलाद में थे और किसी ज़माने में यमन की हुक्मरानी उनको हासिल हुई थी। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने लुक्मान हकीम के बारे में अपनी जो तहकीक ज़िक्र की है अर्दुल कुरान में, वो यही ज़िक्र की है, लेकिन जो इस सिलसिले में रिवायात मनकूल है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से, हज़रत अबू हुरैरा से और बाद में ताबईन से, वो इसके ख़िलाफ़ हैं। और उन रिवायात से ये बात मालूम होती है कि हज़रत लुक्मान का ताल्लुक़ मिस्र के जनूबी इलाके सूडान के शिमाली इलाके से था जिसको नूबा कहा जाता था, और वो मिस्र के जनूब और सूडान के शिमाल के सांवले लोगों में थे, एक सियाफाम ग़ुलाम थे। ये बात उनके बारे में ज़िक्र की गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी तरबियत फराहम की और ऐसी सलाहियतें अता की और ऐसी इल्हामी शख्सियत बनाया कि फिर उनकी ज़बान से बड़ी हकीमाना बातें सामने आती थी और ऐसा मालूम होता था कि अंबिया किराम की तालीमात को उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया है और वो दर हकीकत उनकी ज़बान बोलते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं। तो इस एतबार से हज़रत लुक्मान को क़ुरान पाक में भी यह हैसियत दी गई कि अल्लाह ताला ने एक सूरह का नाम उन्हीं के नाम पर रखा और फिर जो उनके मलफूजात और उनके इरशादात थे अल्लाह की तरफ से, जो दर हकीकत इल्हामी बातें थीं, उनका अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ एहतमाम के साथ इस सूरह पाक में तस्करा किया और इस तरह किया कि वह अपने बेटे को वसीयत फरमा रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, एक
मुखलिस बाप अपने बेटे को जब नसीहत करेगा तो जाहिर है कि वो नसीहतें सबसे ज़्यादा इखलास पर मबनी होंगी। तो जो नसीहतें लुकमान ने बेटे को की, कुरान ने उनको दवाम अता कर दिया, कुरान ने उनको आलमी हिकमतों की हैसियत दे दी। कुरान पाक ने इन हिकमतों को, इन वसीयतों को पूरी दुनिया इंसानियत के लिए एक सरमाए इल्म बना दिया। तो इस एतबार से इससे ये बात सामने आती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक हज़रत लुकमान का बड़ा मकाम था। और जब अल्लाह ये कह रहा है कि हमने उनको हिकमत से नवाजा, तो ये अंदाज़ ताबीर का वैसे ही है जैसे अल्लाह नबियों के बारे में कहता है कि हमने फ़लाँ को हिकमत से नवाजा, दाऊद को हिकमत से नवाजा, सुलेमान को हिकमत से नवाजा। तो ताबीर जो है उससे तो ऐसा ज़ाहिर होता है कि वो भी अल्लाह के नबी थे, लेकिन आम तौर पर जो रिवायात हैं और इस सिलसिले में जो भी मालूमात हैं उनसे ये ज़ाहिर होता है कि वो अंबिया में नहीं थे, वो पैगंबरों में नहीं थे, लेकिन वो हुकमा में थे, वो उकला में थे, अपने वक्त के बड़े दानिश्वर थे और साथ ही साथ बड़े आबिद और जाहिद थे। उनकी शख्सियत मिसाली थी और उस मिसाली शख्सियत को कुरान पाक में पेश किया गया है। कौम आद के लुकमान और मिस्र के जनूबी इलाके के लुकमान की शख्सियतों को खलत मलत कर दिया गया है, वरना हकीकत में जो बात रिवायात में आई है और ये कि वो मिस्र के जनूबी इलाके या सूडान के शुमाली इलाके के थे, ये बात ज़्यादा सही है। और इस सिलसिले में जो रिवायात हैं वो मोतबर रिवायात हैं, वो मौजू रिवायात नहीं कहलाई जा सकती हैं। और अरबों में जहाँ तक ताल्लुक़ है, लुकमान हकीम से वाकफियत का, तो उस वाकफियत में इसको बड़ा दखल है कि सुवैद इबन सामित मदीना मुनव्वरा के एक शख्स थे और उनके पास हज़रत लुकमान हकीम की हिकमतें थीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनकी मुलाकात हुई थी मक्का मुकर्रमा में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस्लाम के बारे में गुफ्तगू की और इस्लाम की अखलाकियात के बारे में उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बड़ी हिकमत की बातें हैं। फरमाया, क्या है? कहा, मेरे पास मजल्लतु लुकमान है। इसका तज़किरा इब्न हिशाम ने सीरत में किया है और उज़्दुल ग़ाबा में भी इसका तज़किरा इब्न अल-असीर ने किया है और दीगर हजरात ने भी किया है। तो सुवैद इब्न सामित मदीना मुनव्वरा की एक बड़ी मिसाली शख्सियत के मालिक थे, बड़े बहादुर भी थे, अच्छे शायर भी थे, और उन्हें मदीना मुनव्वरा में अपनी शख्सियत की वजह से कामिल कहा जाता था, यानी बहुत मुकम्मल मिसाली शख्सियत समझा जाता था। अगरचे बाद में जंग बुआस में उनकी शहादत हो गई थी और रिवायात से बात मालूम होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इस्लाम उनके दिल में बैठ गया था और मुसलमान हो गए थे। बहरहाल उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मजल्लतु लुकमान की बातें पेश की, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरे पास अल्लाह का कलाम है और फिर कुरान पाक की आयात सुनाई, तो सुवैद इब्न सामित दम बखुद रह गए और उनको ये मानना पड़ा कि भाई लुकमान हकीम की ये बातें तो दर हकीकत इस कलाम इलाही के ही कुछ छींटे हैं और इस कलाम इलाही के ही कुछ असरात हैं। यानी इसका मतलब ये है कि लुकमान हकीम को ये बातें अंबिया किराम की विरासत में मिली हैं और अंबिया किराम के मलफूजात और इरशादात जो भी महफूज रह गए वो लुकमान हकीम को मिले और फिर उन्होंने उनका इजहार किया और वो मजबूती के साथ उन पर कायम रहे। तो बहरहाल लुकमान हकीम की शख्सियत के बारे में ये मालूमात हैं। बाज़ मुस्तशरिकीन ने लुकमान हकीम पर जो कुछ लिखा और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में और दीगर इंसाइक्लोपीडियाज़ में उनका जो तारुफ कराया गया, जैसे डेरेन बर्ग नामी जो ओरिएंटलिस्ट है
उसने भी इस हज़रत लुक़मान हकीम की बातों को और उनके मलफूजात को एक किताब में जमा किया, लेकिन वाक़या ये है कि वो बहुत ही मामूली किस्म की बातें हैं और अरबी भी उसकी बड़ी टूटी फूटी है। और हज़रत लुक़मान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगरचे वो मिस्र के जिस इलाक़े के थे वहाँ अरबी ज़बान नहीं बोली जाती थी, लेकिन बाद में वो मदियन के इलाक़े में और ऐला का इलाक़ा जो अकबा कहलाता है वहीं फिर आबाद हुए और फिर उनकी अरबी ज़बान असल ज़बान हो गई। और जो उनकी हकीमाना बातें अरबी ज़बान में हैं वो बड़ी आला फसी और बलीग अरबी ज़बान में है। इसलिए मुस्तशिकीन ने इसके बारे में जो कुछ मालूमात जमा की हैं वो बड़ी नाकिस मालूमात हैं। और फिर मुश्किल ये है कि आम तौर पर मुस्तशिकीन के दिमागों में कुरान पाक की तरदीद और कुरान पाक के बारे में कुछ अयूब की दरियाफ्त ऐसा एक मौजू रहता है उनकी बदनीयती पर जो मबनी होता है कि वो ये बताना चाहते हैं कि जिन शख्सियात का कुरान में तذکرہ किया गया है वो शख्सियात ऐसी थी और वैसी थी। बहुत सी शख्सियात के बारे में मुस्तशिकीन ने कलम उठाया और गोया कुरान पाक की तगलीद की कोशिश की है। तो ये उनकी मुगालता अंगेज़ियाँ हैं और उनकी कमज़ोरियाँ हैं। और वो इल्म का लिबास ओढ़कर तहक़ीक़ का लबादा इस्तेमाल करते हुए धोखा देते हैं और उनके धोखे से अच्छे अच्छे लोग मुतासिर हो जाते हैं। तो बहरहाल ये बात जहन में रहनी चाहिए कि इस सिलसिले में जो मज़ामीन मग़रिबी लिटरेचर में हैं और जो लुक़मान हकीम पर मुस्तशिकीन ने कलम उठाया है उसमें मुग़ालता अंगेज़ियाँ हैं। और क्योंकि इस सिलसिले में हमारे यहाँ सही रिवायात मौजूद हैं और बहुत सी तारीख़ी तफसीलात मौजूद हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ से हटकर कहीं और से मालूमात तलाश करने की कोशिश करें। बहरहाल सूरह लुक़मान की वजह तस्मिया की ये बात हुई और हमारी जो तरतीब है तर्जमे कुरान पाक की, जिसमें हमने कोशिश की है कि कुरान पाक की तमाम सूरतों को इस तरह पेश किया जाए कि जैसे वो अबवाब हैं, फ़सलें हैं और फ़सलों के फिर ज़ेली मौजूआत हैं और उनवानात हैं, एक अप टू डेट किताब की हैसियत से उसको मुतारफ़ कराया जाए। क्योंकि जिस ज़माने में सूरतों के नाम रखे गए अलामती नाम थे और उस ज़माने का जो मिजाज था, जो ज़ौक था, उसमें उन नामों का इस्तेमाल लोगों की तवज्जो मबजूल करने का सबब ज़रूर था। लेकिन आज की इल्मी दुनिया में हमें असल मौजू और सब्जेक्ट पर तवज्जो करनी चाहिए और अलामती नाम के मातहत जिस मौजू को ज़ेर बहस लाया गया है उसको उन्वान की हैसियत से नुमाया करना चाहिए। सूर्य का मौजू क्या है और फिर सूर्य के अंदर जो फ़सलें हैं उनका मौजू क्या है और फिर फ़सलों में जो पैराग्राफ हैं, जो इबारतें हैं, उनके ज़ेली उन्वानात क्या हैं, मौजूआत क्या हैं। तो हमारे यहाँ जो सातवां बाब है जिसका तस्करा चल रहा है उसकी ये सातवीं फसल है, सूरतुल लुक़मान के नाम से है। और इसका उन्वान ये है कि हज़रत लुक़मान की हकीमाना वसीयतें और इल्म इलाही की ला मुतनाही जिहाद, ये इस सातवीं फसल का उन्वान है। और जहाँ तक ये बहस है कि ये सूरह कब नाजिल की गई, तो इस सिलसिले में रिवायात से तो कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिलता है, लेकिन सूरह पाक पर गौर करने से और इस सूरह का दीगर मक्की सूरतों से मुवाजना करने से कुछ बातें सामने आती हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये सूरह और सूरह अनकबूत करीबी ज़माने में नाजिल हुई है। गालिबन ये सूरह पहले नाजिल हुई जिसमें मक्के मुकर्रमा में जो मुखालफतें हो रही थी उनका तस्करा है और ख़ास तौर पर हज़रत लुक़मान की ज़बान से जो ये वसीयत नकल की गई
वो अपने बेटे से कह रहे हैं, और जो बात वो वहाँ कह रहे हैं वही नबी मक्के वालों से कह रहे थे। और गुफ्त आयत दर हदीस दीगरा के मिज़दाक, वो बात उस वक्त के मुखातब हर शख्स से कही जा रही थी कि माहौल का कैसे ही दबाव क्यों ना हो, यहाँ तक कि माँ बाप भी अगर इसरार करें शिर्क करने पर और कुफ्र करने पर इसरार करें, दीन से हटाकर किसी और रुख पर ले जाने की बात करें, तो बावजूद इसके कि अल्लाह ताला इसकी हिदायत बार बार देता है कि अल्लाह की बंदगी करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, लेकिन वो ये भी साथ साथ कहता है कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ और अल्लाह की तौहीद के ख़िलाफ़ और नबी के प्याम के ख़िलाफ़ माँ बाप अगर इसरार भी करें तो उनकी वो बात न मानो, उनके साथ उसने सलूक करते रहो बावजूद इसके कि वो काफिर हों मुशरिक हों और तुम मोमिन हो और वो तुम्हें भी ईमान से निकालना चाहते हो, इस सब के बावजूद तुम उनके साथ उसने सलूक करते रहो, लेकिन उनकी कोई वो ऐसी बात ना मानो कि जो बात अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह की तौहीद के ख़िलाफ़ हो, अकायद के ख़िलाफ़ हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के ख़िलाफ़ हो। तो ये सूरह बहरहाल जो मक्के मुकर्रमा का दरमियानी दौर था, बल्कि उसके बाद का वो दौर के जब मुखालफतों का तूफ़ान था और हर तरह का दबाव इख्तियार किया जा रहा था और अहले ईमान के लिए मुश्किलात थी, उन हालात में सूरह अनकबूत भी नाजिल हुई और दीगर मक्की सूरतें भी नाजिल हुई, और उसी ज़माने में सूरह लुक़मान भी नाजिल की गई, और सूरह लुक़मान के नाजिल होने के दौर का जो अंदाज़ा मज़ीद होता है वो इस बात से भी होता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुवैद इबन सामित आकर मिले थे, तो वो भी हिजरत से पहले का दौर था और उसमें उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी थी, और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये बात बयान की थी कि मेरे पास सहीफ़ लुक़मान है या मजल्ले लुक़मान है। तो ये भी मक्की दौर के आखिरी ज़माने की बात है, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान पाक सुनाया था जिससे वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद फिर वो वहाँ मौजूद नहीं थे, उससे पहले ही उनका इंतकाल हो चुका था। इसलिए ये एक तरफ ये कि मक्के के आखिरी दौर की बात है, ये इस वाक़े से भी बात समझ में आती है। तो इस सूरह का जो ज़माने नुज़ूल है वो मक्के मुकर्रमा का आखिरी दौर और दरमियानी दौर और आखिरी दौर के बीच का दौर है, और सूरह का जो मौजू है वो तो आपने उन्वान के ज़रिए से मालूम ही किया कि एक तरफ इल्म इलाही की ला मुतनाही जिहाद का बयान है, सिफात इलाही का तज़किरा है, तौहीद का ज़िक्र है, और हज़रत लुक़मान की जो वसीयतें और नसीहतें उनका तज़किरा फरमाया गया है। अब इस सूरह पाक का आगाज़ इस तरह किया गया कि हुरूफ़ मुक़त्तआत इस्तेमाल करते हुए अलिफ लाम मीम, और आम तौर पर ये हुरूफ जो अलग अलग बोले जाते हैं इनका जब ज़िक्र आता है कुरान पाक में तो आम तौर पर ये बात देखी जाती है कि इन हुरूफ के बाद अल्लाह ज़िक्र करता है कुरान का, ज़िक्र करता है अपनी किताब का, ज़िक्र करता है अपने कलाम का, जिससे ये इशारा मिलता है कि ये ऐसे कोड वर्ड हैं, ये ऐसे रुमूज हैं जिनका ताल्लुक सूरह के मौजूआत से, सूरह के राज़ाए पिन्हा से, यानी सूरह का अगर इख्तिसार किया जाए और उसके लिए कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाएँ तो मसलन अलिफ लाम मीम कहा जाएगा, या अलिफ लाम रा कहा जाएगा, या हामीम कहा जाएगा, और उसके बाद फिर सूरह के मौजूआत शुरू होंगे। जब उन मौजूआत को बयान करने की कोशिश की जाएगी तो उसके लिए फिर हम अपने किसी जुमले के ज़रिए से उनवान उसका मुतय्यन करेंगे। फरमाया गया कि ये उस किताब की आयतें हैं जो हकीमाना है, लुक़मान हकीम का आगे तस्करा होना है, तो इस किताब को भी हकीम करार दिया गया है,
ये किताब हिकमतों से लबरेज़ है, इस किताब में हकीमाना बातें, ये किताब दानिशमंदी सिखाती है, ये किताब अक्लमंदी के लिए आई है, ये किताब लॉजिकल है, ये किताब सही मंतिक को पेश करती है। इसलिए अहले मंतिक को चाहिए कि यूनान की मंतिक को आग लगाकर कुरान की मंतिक को सीखें। अफसोस है कि हमारे मदरसों में यूनानी लाल मुझक्कड़ों की मंतिक की किताबें पढ़ाई जाती हैं और हमारे मदारिस के तलबा का दिमाग ख़राब किया जाता है। और अगर यूँ कहा जाए कि यूनान के फ़लसफियों की गाड़ियों का कुली बना दिया जाता है, उसके बाद लोगों के ऐसी गर्दानें कराई जाती हैं उस फ़लसफे की और उस मंतिक की कि जिसका कुछ हिस्सा ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है, उसमें कुछ कवायद व जवाबित बयान किए गए, जैसे नहव के अंदर कवायद व जवाबित ज़बान के और जुमलों के बयान किए गए हैं और उनसे वाकफियत में कोई हैरत नहीं, लेकिन उसकी जो लंबी चौड़ी दास्तान है और जब वो मंतिक कूदती और फांती है, छलांग लगाती है और वो नबुवत और रिसालत और कलाम इलाही और सिफात बारी ताला के बारे में भी तुक्केबाजी करती है, तो फिर उसकी ऐसी कैफियत दिखती है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बंदर हो जो नाच रहा हो और कोई खेल दिखाने वाला बंदर का नाच दिखा रहा हो। ये उस वक्त यूनान की मंतिक का हाल होता है। ज़ाहिर है कि कुरान पाक की मंतिक असल मंतिक है और कुरान पाक की हिकमत असल हिकमत है। यही वो हिकमत है जो अल्लाह की तरफ से पैगंबरों को अता फरमाई गई और लुक्मान हकीम को दी गई, और अपने अपने वक्त में जो भी हुकमा हुए हैं उनको जब अल्लाह की तरफ से हिकमत अता की जाती है तो वही हिकमत असल हिकमत होती है। और ज़ाहिर है कि ये कुरान तो सरतापा हिकमत है, इसमें जो बात भी इरशाद फरमाई गई है सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक, वो सरतासर हिकमत पर मबनी है। फिर ये जो हकीमाना कलाम है ये यूनान की मंतिक व फ़लसफे की तरह भटकाता नहीं है, उलझाता नहीं है कि फ़लसफ़ी का या हाल ये होता है कि वो डोर को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन और उलझाता चला जाता है। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, उस बेचारे का ये हाल होता है। लेकिन कुरान पाक ऐसी हिकमतों से लबरेज़ है जिसमें हिदायत के सरचश्मे उबल रहे हैं। ये एक ऐसी किताब है जो रहमत इलाही की बारिश लेकर आती है, ये एक ऐसी किताब है जो हुस्न व जमाल अता करती है, ये एक ऐसी किताब है जो इंसान को मुहसिन बनाती है, ये एक ऐसी किताब है जो इबादत का सलीका सिखाती है। इस किताब से लोग नमाज सीखते हैं, इस किताब के ज़रिए ज़कात की हकीकत हासिल करते हैं, यानी दिल भी पाक होते हैं, माल भी पाक होता है और माशरा उससे तरक्की करता है और माल भी आगे बढ़ता है। और फिर उसी के साथ साथ इसी किताब का ये नतीजा और जो किताबें भी अल्लाह की तरफ से उतरती रहीं, इनका नतीजा है कि आखिरत पर ईमान अता होता है और ये दुनिया फ़ानी नज़र आती है। इस दुनिया का फ़ानी होना एक किस्सा नहीं होता, एक महज अकीदा नहीं होता है, बल्कि इस दुनिया की फ़ना का फिर वो मुशाहदा करते हैं जिनको बका बिल्लाह की दौलत हासिल होती है। तो वाकया ये है कि जो फ़ानी फिल्लाह होते हैं तो वो बाकी बिल्लाह भी होते हैं और उनको ये बात मालूम होती है। अल्लाह भी कहता है कि ये दुनिया फ़ानी है, ये वक्ती है, आनी जानी है, मिटने वाली है, मुसाफिर खाना है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है, इम्तिहान की जगह है, यहाँ पर इम्तिहान देना है। अब ये फरमाया जा रहा है कि ये किताब हकीम है जो उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत का ज़रिया है जो नेकोकार हैं, साले हैं, अच्छा काम करते हैं, और फिर जो अच्छा काम करते हैं वो उड़ाई की चढ़ाई नहीं हाँकते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, वो ज़कात देते हैं, यानी बदनी इबादत भी करते हैं और माली इबादत भी करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, जिसकी वजह से दुनिया से उनका दिल सर्द होता है और उनका दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है और अल्लाह की मोहब्बत से मामूर होता है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह की तरफ से फरमाया जा रहा है यही हिदायत याफ्ता होते हैं और यही लोग फलाह याब और कामयाब होते हैं। एक तरफ तारुफ कराया जा रहा है
مکہ مکرمہ کے مشرکانہ ماحول میں، کافرانہ ماحول میں، فاسقانہ اور فاجرانہ ماحول میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے کون ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کن کو نوازا گیا ہے، کون ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، کون ہے جو اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں، کون ہے جن کا دل آخرت پر یقین سے بھرا ہوا ہے، اور وہ کون ہے جن کو اللہ نے کامیابی سے نواز دیا، سند دے دی گئی ان کو، جو سرٹیفکیٹ دیا گیا وہ فلاح کا اور کامیابی کا. آج ہماری تعلیم گاہوں کی طرف سے سند ملتی عالمیت کی اور فضیلت کی اور بی اے کی اور ایم اے کی اور پی ایچ ڈی کی. یہ سندیں ایسی ہوتی ہیں کہ کتنے ایسے ان سندوں کے علم بردار ہوتے ہیں، حاملین ہوتے ہیں، جن کو قرآن گدھا کہتا ہے، جن کو قرآن جانور کہتا ہے، جن کو قرآن جاہل کہتا ہے، جن کو قرآن اندھا کہتا ہے. وہ کاغذ کی سند رکھتے ہیں لیکن بصیرت نہیں رکھتے. ہاں، قرآن پاک سے جو سند یافتہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں سجاتے ہیں اور اللہ سے امید باندھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سند دیتا ہے. اور اللہ کی سند یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب و فلاح یاب. اب اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت و سیرت سے، اہل اللہ کے حالات سے، اولیاء اللہ کی سوانح سے دور رہتے ہیں اور محروم رہتے ہیں اور اس دنیا دنی میں مست و مگن رہتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ شہوت پرستی میں لگے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کی خرابی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے قدم ہمیشہ شیطان کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور ان کا دل قابو میں نہیں رہتا، اور ان کے مشغلے کیا ہوتے ہیں؟ خوش گپیاں اور دلچسپ کھیل و تماشے اور مطالعے میں ناولیں، قصے، کہانیاں، شہوت انگیز شعر و شاعری اور فلمیں اور ڈرامے اور تھیٹر اور سینما گھر اور بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور اس کی شاخیں. غرض کے وہ شیطان کے شاگرد ہوتے ہیں، ابلیسی نظام کے پروردہ ہوتے ہیں، دجال کے ساتھ وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں. لہذا ہر وہ چیز جس سے ذہن میں فساد پیدا ہو، جس سے دل میں بگاڑ ہو، جس سے آخرت فراموشی ہو، جس سے خدا فراموشی پیدا ہو، پھر خود فراموشی پیدا ہو اور انسان کچھ اس طرح سے بدمست ہو جائے، شراب میں اور کباب میں اور گانوں میں، رقص و سرود کی محفلوں میں اس کو مزہ آئے، سینما ہال میں اس کا جی لگے اور فلم دیکھتا رہے اور دل سیاہ کرتا رہے اور دماغ کو فاسد بناتا رہے اور اپنے باطن کو وہ ظلمت کدہ بناتا چلا جائے، ایک طرف وہ انسان ہے. ظاہر ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی سازش یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کو قرآن سے، حدیث سے، دین کے مشغلے سے ہٹانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ اس کو گانوں میں الجھا دیا جائے، فلموں میں الجھا دیا جائے اور شہوت انگیز لٹریچر میں الجھا دیا جائے، ایسے ادب میں، ایسے آرٹ میں، ایسی شعر و شاعری میں اس کو پھنسا دیا جائے کہ جس کے جال سے پھر وہ نکل نہ سکے، اور جب بھی وہ اس میں داخل ہو تو وہ شیطان کے گرداب میں پھنسا رہے، اس کے جال میں وہ اس طرح سے کس دیا جائے کہ اس کے لیے نکلنا مشکل ہو. اب اللہ کے نیک بندوں میں اس کے لیے شمولیت دشوار ہو جائے. فرمایا جا رہا ہے یہاں کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ساری دلچسپی یہ ہے کہ جو فضول اور تفریحی اور کھیل کود و تماشے کی باتیں ہیں وہ انہیں حاصل کرتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں. ان کو اگر قرآن کی محفل کی طرف بلایا جائے تو جی نہیں لگتا، ان کو اگر حدیث کی محفل کی دعوت دی جائے تو طبیعت نہیں چلتی، ان کو اگر یہ کہا جائے کہ آئیے دینی دعوتی اور اصلاحی کام کریں تو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے. لیکن ان کو تفریح چاہیے، ان کو کھیل چاہیے، ان کو تماشا چاہیے، ان کو خوش مناظر چاہیے، ان کو دل کی لذتیں چاہیے، شہوتیں
सांसें चाहिए, उनको अपनी तबीयत की तस्कीन के लिए हर वो चीज़ चाहिए जिससे शराब का मज़ा पैदा हो और कबाब की लज्जत पैदा हो, और जिसके बाद फिर उनका हाल ये हो कि बस वो एक ऐसे जानवर हो जिसका काम सिर्फ खाना पीना हो और अपनी ख्वाहिशात नफसानी पूरा करना हो। तो जिन लोगों का हाल ये कि वह लहवुल हदीस को ख़रीदते हैं, यानी उस ज़माने में सूरत हाल ये थी कि जो दौलतमंद होते थे वो लौंडियों को ख़रीदते थे, बहुत सी औरतों से शादियां रचाते थे, बदकारियां भी करते थे, कैबागरी के अड्डों में भी जाते थे और ख़ास तौर पर गाने वाली लड़कियों को ख़रीद के लाते थे। जो बांदियां होती थी बाज़ारों में बिकती थी उनको ख़रीदते थे और ये देखते थे कौन अच्छा गाना गाती है, कि वो गाना गाए और फिर ये शराब पिए और शराब की महफिल सजे। इसके लिए उस दौर में ये था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बिगड़े हुए माहौल से निकालना चाहा तो जो लोग उसमें फंसे हुए थे वो ऐसे उलझे हुए थे कि उनके लिए निकलना मुश्किल था, और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से लोगों को दूर करने के लिए तरह तरह की बातें करते थे। कुरान में उनकी साजिशों का, उनके इल्ज़ामात का तذکرہ फरमाया गया है। कभी ये कहते कि ये जादूगर हैं, कभी ये कहते कि मजनून हैं, कभी ये कहते कि इन पर जिन आ गया है, कभी ये कहते कि तुकबंदी करते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। कुरान में उनके ये जुमले, उनकी फप्तियाँ, उनके तमस्खुर के ये कि ये इबारतें नकल कर दी गई हैं ताकि हर दौर में ये समझा जा सके कि जब इतनी बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ उस दौर के लोग जो उस शख्सियत से वाकिफ रहे थे, उसकी जवानी देखी थी, उसकी बेदाग ज़िंदगी देखी थी, जिसको वो अमीन व सादिक कहते थे, जब वो इतने बड़े पागल हो जाते हैं और वो ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं तो किसी और शख्सियत को निशाना बनाने के लिए हर दौर के जो फितना परवर होते हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। कुरान पाक इसीलिए इसको बयान करता है कि कुरान दायमी किताब है और ये किरदार सामने आते रहेंगे, तो लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हिदायत की जब दावत दी जाती है और हक बात कही जाती है तो वो कितनी खलती है उन नफूस को कि जो हिदायत से महरूम होते हैं, उनको वो बातें खलती हैं और उनकी बुनियाद पर फिर वो मुकाबला करते हैं। मुकाबला क्योंकि वो हक का कर नहीं सकते अपने बातिल से, इसलिए हक को जिज करने, उसको दबाने के लिए हक को वो नाहक बताना चाहते हैं या फिर वो हक से दूर रखना चाहते हैं। जैसे وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, काफिर कहते हैं कि इस कुरान को मत सुनना, और जब कहीं आवाज़ आ रही हो, इस कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हो, तो तुम शोर मचाओ, गुल मचाओ, हुल्लड़ करो ताकि तुम गालिब आ जाओ, वरना ये कुरान अगर सुन लिया तब तो फिर तुम्हारा दिल तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा, जादू हो जाएगा। वो तो ये कहते थे, लेकिन मक्के मुकर्रमा के काफिरों में एक बड़ा ताजिर था और बड़ा ज़हीन था, उसका नाम नद्र इब्न हारिस ज़िक्र किया गया है। उसके बारे में कई रिवायतें इस तरह की मौजूद हैं कि वो अरबों से ये कहता था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते थे, और वो ये कहता था कि भाई तुम तो ये खूब जानते हो कि ये तुम में सबसे बेहतर आदमी है, अमानतदार है, तुम इन्हें काहिन कहते हो, साहिर कहते हो, शायर कहते हो, मजनून कहते हो, तो आखिर तुम्हारी इन बातों को कौन मानेगा? क्या लोग साहिरों को नहीं जानते कि वो किस किस्म की झाड़ फूँक करते हैं? क्या लोगों को मालूम नहीं कि काहिन किस किस्म की बातें बनाया करते हैं? क्या लोग शेर व शायरी से वाकिफ़ नहीं? क्या लोगों को जुनून की कैफियात का इल्म नहीं? इसलिए इन फजूल बातों में कुछ नहीं रखा है, तुम्हारा ये गंडा उनके खिलाफ चलने वाला नहीं है, इसलिए कुछ और कहो। तो उसने फिर ये कहा कि मैं देखिए कोशिश करता हूँ, मैं लोगों को इस तरह उलझा दूँगा ऐसे अदब में, ऐसे लिटरेचर में, ऐसे फ़न में, ऐसे आर्ट में ऐसा उलझा दूँगा कि लोग फिर कुरान के करीब जाएंगे नहीं, मैं ये कोशिश करूँगा। तो उसने इराक का सफ़र किया और वहाँ से वो ईरान के तैयार करदा रुस्तम और असफंदियार की दास्तानें जो अरबी में मुंतकिल कर दी गई थी उसी इब्तदाई दौर में, वो दास्तानें लेकर आया।
अब वो उन किस्सों को महफिलों में सुनाया करता था और फिर उसी के साथ साथ उसने एक काम ये किया कि वहाँ से कुछ गाने वालियाँ लेकर आया और उनको फिर मजलिसों में बिठाया, मजलिसें सजाईं और उनसे कहा कि वो गाना गाएं। तो अब जाहिर है कि फिर नौजवानों की भीड़ लग जाती थी कि एक तरफ दिलचस्प और अजीब और हैरत अंगेज़ किस्से सुनने को मिलते थे रुस्तम के, अस्फंदियार के और ईरान के हुक्मरानों के, और दूसरी तरफ एक ऐसी मुगनियाँ मिलती थी जो उनको अपने गाने में मस्त कर देती थी। तो ये वो रिवाज था जो उस दौर की जाहिलियत में था। अब आज के दौर को आप देख लीजिए कि आज जो लोग दीन की, इस्लाम की, औरतों के पर्दे की और इस्लामी तहजीब की मुखालफत करते हैं, कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं कि जो औरतों को बरहना करते हैं, जो उनके पर्दे फाड़ते हैं, जो उनको खिलौना बनाते हैं, जो उनको बाज़ार का सामान बनाते हैं, ऑफिसेज में जो उनके साथ हरासमेंट करते हैं, जो उनको न रेलों में छोड़ते हैं, न जहाज़ों में, न बसों में, जो सिनेमा घर आबाद करते हैं और जो फिल्मों को चलाते हैं, और उनकी कोई फिल्म इसके बगैर चलती नहीं कि वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को नंगा करें और उसको लाएं, उसको हुस्न व जमाल को दिखाकर नौजवानों के जज्बात भड़काएं और फिर उनके अंदर जो हैवानी जज्बात हैं उनको गालिब कर दें, उनकी इंसानियत को दबा दें और कुचल दें और अपनी फनकारी से इसी को आर्ट बताएँ, इसको कल्चर बताएँ, इसको वो सिविलाइज सोसाइटी का तरीका बताएं। तो एक तरफ ज़रूरी है कि दलाइल दिए जाएं, अपनी बात को मुदल्लल करके पेश किया जाए और लोगों की अक्लों के साथ खिलवाड़ किया जाए, और इंसानी तहजीब के साथ जो वहशतनाकी का सलूक हो, जो दरिंदगी हो रही हो कि तहजीब इंसानी को चीर कर फाड़ कर फेंक दिया जाए, ऐसा लगे कि जैसे तहजीब का एक जिस्म है जिस पर कुत्ते छोड़ दिए गए और जिसको भेड़ियों के हवाले कर दिया गया। आज हमारी जो फिल्मी दुनिया है, सिनेमा की दुनिया है, दर हकीकत ये उन शैतानी भेड़ियों की दुनिया है और उन हैवानी नुमाइंदों की दुनिया है और उन भूखे कुत्तों की दुनिया है जो शर्म को तार तार कर देते हैं, जो हया को नोच के खा जाते हैं और जो इंसानी तहजीब की हड्डियाँ भी नोच लेते हैं, और जिनका हाल ये है कि वो इंसानी अखलाक और अंबिया की दावत और सही तहजीब और शर्म हया का जो तरीक़ार है इसके ख़िलाफ़ हमला बोलते हैं और अपने हमले को वो वली फ़िलासफ़ी से, वो फ़िलासफ़ी जो फ्राइड ने पेश की थी, उस फ़िलासफ़ी को पेश करते हैं। और फ्राइड उनके नज़दीक एक हीरो है, एक डार्विन हीरो है और एक फ्राइड हीरो है। डार्विन ने उनको बंदर की औलाद बताया और फ्राइड ने उनको ये बताया कि उनके पूरे जिस्म में जो उनका जो असल उज़्व है वो दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, बल्कि उनकी शर्मगाह है, उनकी वो हैजानी कैफियत है जो असल मरकज़ और महवर है। अब जाहिर है कि फ्राइड ही के नज़रिए पर सारे सिनेमाघर, सारे थिएटर और हॉलीवुड और बॉलीवुड और उनकी शैतानी शाखें और दज्जाल के तमाम करतब, दज्जल व फरेब का जो लिटरेचर है और आर्ट है और उसकी जो तहरीरें हैं और आजकल जो सोशल मीडिया और सरकारी मीडिया और उस मीडिया के एंकर्स की जो ज़बानें हैं, जो उनके तर्ज हैं, दर हकीकत यही है जिसको कुरान में लहवुल हदीस कहा गया है। अब वहाँ जो रिवायात हमारे पास हैं अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की और दीगर हजरात की, वो कहते हैं कि लहवुल हदीस से मुराद गाने हैं। ज़ाहिर है कि अगर कोई गाना या नगमा ऐसा है जो अच्छे अशार पर मुश्तमिल है और अच्छी म्यूज़िक के साथ, यानी म्यूज़िक से मुराद ये है कि जो इंसान का लहन होता है, उसका लहजा होता है। मौसीकी के बारे में भी ये गलत समझ लिया गया है कि जो आलात होते हैं जिनके ज़रिए ख़ास नशा पैदा किया जाता है वो मौसीकी कहलाते हैं, ऐसा नहीं, वो मौसीकी के आलात हैं, लेकिन म्यूज़िक जिसे कहते हैं और अरबी में मौसीकी कहते हैं, दरअसल
در حقیقت وہ انسان کی وہ آواز ہے جس کے زیر و بم میں ایک بڑی تاثیر ہے، اور بڑے بڑے علماء اس کے ماہر ہوئے ہیں، یعنی اس علم کو جس کو علم الالحان کہتے ہیں، آوازوں کا علم، وہ ایک علم ہے اور اس کی اس پر بڑی تحقیقات کی گئی ہیں. لیکن آواز کا غلط استعمال، آلے کا غلط استعمال اور مجلس کا غلط استعمال، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی بھی خیر کو شر بنا دیتی ہیں. ادب اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی، شاعری اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، قصے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، افسانے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور باحیا عورت بھی ہوتی ہے اور بے حیا بھی ہوتی ہے، اور پارسا قسم کا کوئی نوجوان بھی ہوتا ہے اور آوارہ کوئی نوجوان بھی ہوتا ہے. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے دونوں طرح کے مواقع عطا فرمائے ہیں. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں، ایسا آرٹ، ایسا لٹریچر، ایسی شاعری، ایسا ادب، ایسی فلم، ایسا سینما گھر اور ایسی باتوں کو اختیار کرے جس سے غفلت پیدا کی جائے اللہ سے، دین سے، ایمان سے، تہذیب سے، اخلاق سے، قرآن سے، سنت سے، سیرت سے غفلت پیدا کی جائے، وہ ہے جس کو لہو الحدیث کہا گیا. اور اختصار کے ساتھ جو روایتیں صحابہ کرام سے موجود ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس سے رقص و سرود کی محفلیں مراد ہیں اور گانے مراد ہیں لہو الحدیث سے. اور چونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ باندیوں جو گانے والی تھی ان کو خریدتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں فرمایا کہ حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں، لا يحل بيع المغنیات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ولا أسمانهن، مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا، ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ان کی قیمت لینا حلال. یہ متعدد روایتیں ہیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو بازار اس طرح کا لگتا تھا اور غلاموں اور باندیوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. آج بھی جو اینکر ہیں، میڈیا کے جو اینکر ہیں، یہ غلام ہیں یا باندیاں ہیں؟ ان کو تنخواہ دے کر خریدا جاتا ہے، یہ بھی خریدے جاتے ہیں، زبان خرید لی جاتی ہے، آرٹ خرید لیا جاتا ہے، لہجہ خرید لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان سے کام لیا جاتا ہے خبروں کو گڑھنے کا، جھوٹ بولنے کا، الزام لگانے کا، مکر و فریب کرنے کا، سفید کو سیاہ و سیاہ کو سفید بنانے کا، یہ کام لیا جاتا ہے آج کل کی اینکر لڑکیوں سے جو باندیاں ہیں اس دور کی، اور اینکر لڑکوں سے، جوانوں سے جو اس دور کے غلام ہیں. ظاہر ہے کہ طرز بدل گیا ہے، اب تنخواہ ماہانہ دی جاتی ہے اور اس ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پر غلام بنایا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہندوستان میں میکالے نے، جس کو لارڈ میکالے کہتے ہیں، جب یہاں کی ایجوکیشنل پالیسی بنائی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو یہاں کی آبادی کے لوگ ہیں وہ ہماری زبان سیکھیں تاکہ ہمارے لیے وہ کلرک بن سکیں، نوکر بن سکیں، چاکر بن سکیں. ہم انہیں ظاہر ہے کہ اپنے برابر تو کھڑا نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہم انہیں سائنس سکھانا چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی تعلیم ہم ان کو دیں کہ پھر وہ ہمارے دفتر کے کلرک بن جائیں. یعنی نئے دور میں نئے غلام چاہیے، نئی باندیاں چاہیے. تو جو نظام تعلیمی میکالے نے اختیار کیا تھا وہ ہندوستان میں غلام اور باندیاں بنانے کا کیا تھا. سمجھدار لوگ یہ سمجھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو یہاں سے باہر کیا. آج کا جو میڈیا، وہ ٹیلی ویژن کے ادارے ہوں یا ریڈیو کے ہوں یا اخبارات کے ہوں، جو آج کے رائٹرز کے، ایڈیٹرز کے، اور آج کے رپورٹرز کے اور اینکرز کے قلم خریدتے ہیں، زبان خریدتے ہیں، دماغ خریدتے ہیں، دل خریدتے ہیں، تنخواہیں بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، ان کو پھر وہ غلط معلومات کی شراب پلاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دلدل میں پھنساتے ہیں، اور ان کے ضمیر کے خلاف ان کو بولنے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ جانتے ہوئے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کبھی کسی قوم کے خلاف، کبھی کسی مذہب کے خلاف، کبھی تہذیب کے خلاف، کبھی دنیا کے مختلف حالات کے خلاف جو بات بولتے ہیں،
वो अपने दिल से नहीं बोलते, ये उनकी बिकी हुई ज़बानें हैं, ये उनके बिके हुए कलम हैं, और ये इस दौर के ग़ुलाम हैं और इस दौर की बांदियाँ हैं। आप इनको इस हैसियत से देखिए कि ये आज के नए बाज़ार में और नई मंडियों में बिकने वाले लोग हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अमेरिका का और यूरोप का काम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कितने ऐसे दफातर और ऐसे इदारे बेंगलोर में हैं, बम्बई में हैं, कलकत्ते में हैं, मद्रास में, जहाँ बैठ कर कंप्यूटर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अमेरिका की नौकरी का और चाकरी का गुलामी का कर रहे हैं। उनको अपनी तनख्वाहों की फिक्र है और बड़ी तनख्वाहें उनको मिल रही हैं कि लो भाई जाओ इन तनख्वाहों से खाना खाओ और अपना सोफा सेट खरीदो, लेकिन हमारी गुलामी करते रहो। तो दाम बढ़ा दिए गए हैं और इसी एतबार से बढ़ाए गए हैं कि कौन सा बेहतर गुलाम है और कौन सी बेहतर बांदी है। तो ये दौर नया दौर है गुलामी का और बांदी का, और नए बाजार हैं और नए मार्केट हैं, और इनमें लड़के और लड़कियां खरीदे जाते हैं और अधेड़ भी खरीदे जाते हैं, और बुढ़े सुढ़े जो मर रहे हैं कब्रों में, जिनके पैर लटक रहे हैं, वो भी खरीदे जाते हैं, उनकी भी रकमें लगाई जाती हैं। तो उनकी जबानें भी बोलती हैं, उनके मुँह से कीचड़ निकलता है, और उनकी जबानें जब खुलती हैं तो साफ मालूम हो जाता है कि एक शैतान बोल रहा है, साफ मालूम हो जाता है कि इबलिस का भोपू बोल रहा है, साफ मालूम हो जाता है कि दज्जाल की तैयारी हो रही है, उसका सिपाही बोल रहा है, उसका रिजाकार बोल रहा है। और खूब याद रखिए कि ये दज्जाल के रिजाकार और सिपाही सबसे ज्यादा आज अरब मुल्कों में है, सबसे ज्यादा ये उस मुल्क में है जिसको जाहिल कौदन सऊदी अरब कहते हैं, और इमारात में है, और मिस्र में है, और दीगर अरब ममालिक में है। वहाँ एंकरों की, ग़ुलामों की, बांदियों की बहुतात है, वहाँ उनको लंबी चौड़ी रकमें दी जाती हैं, और वो अरब मुल्क में बैठकर बात करते हैं ज़ोइनिज्म की, वो ज़ोइनिज्म के एंकर, और वो इसी तरह सलीबियत के एंकर हैं, वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि जो हुकाम हैं उन मुल्कों के वो एजेंट हैं सहयूनियत के और सलीबियत के। तो क्योंकि उन्होंने एजेंसियां खोल रखी हैं, फिर इन एजेंसियों से तनख्वाह मिल रही है उनको, जो रिपोर्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो एडिटर्स हैं और जो एंकर्स हैं, इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, और फिर उसके बाद इनके मुँह से जो बोलियाँ निकल रही हैं वो दजल की, फरेब की, मकर की, झूठ की, इफ्तरा पर्दाजी की, इल्जामात तराशी की एक जबान है जो सामने आ रही है। इसलिए अगर किसी को शयातीनुल इंस को देखना है, शयातीनुल जिन तो दिखते नहीं, वो तो छुपे रहते हैं, उनको तो अल वसवासुल खन्नास कुरान पाक में फरमाया गया कि वसवसा अंदाजी करते हैं, छुपे रहते हैं, लेकिन उनके नुमाइंदा तो दिखते हैं ना, आपको आंखों से दिख रहे हैं, वो एंकर दिख रहे हैं, वो रिपोर्टर्स दिख रहे हैं, वो राइटर्स दिख रहे हैं, वो एडिटर्स दिख रहे हैं, रेडियो स्टेशन में जो प्रोग्रामर हैं वो दिख रहे हैं आपको, टेलीविज़न में जो प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं दिख रहे हैं। आप जब उनको देख रहे हैं तो आप दज्जाल के सिपाही देख रहे हैं, कारकुन देख रहे हैं, आप शैतान के खुद्दाम देख रहे हैं, आप इबलिस के हरकारे देख रहे हैं। आप ये समझते क्यों नहीं, आप ये क्यों समझते हैं कि इसका नाम फलां, इसका नाम फलां है, आप उसका नाम पूछते हैं, आप ये पूछते किस कॉलेज में पढ़ा और कहां से आया और तनख्वाह क्या है, ये सारी तफसीलात जानने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये इबलीस के हरकारे हैं, ये शैतान के साथ शामिल हैं, ये इनको कुरान शयातीनुल इंस कहता है, इंसानों में के ये शैतान है, ये वो बात है जिसको जान लेना चाहिए तो बात का खुलासा हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आज के इस दर्स में इसी पर इक्तफा करता हूँ। हालांकि जो आखिरी आयत है उसमें फरमाया गया कि अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया और कोई सुतून तुम्हें दिख नहीं रहे, ये उसका निज़ाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि उसने किस तरह साइज़ उनके तैयार किए और फासले तैयार किए, और वो अपनी जगह पर गर्दिश कर रहे हैं, कहकशाओं में गर्दिश कर रहे हैं, और अल्लाह ने पहाड़ों को भी तुम्हारे लिए ऐसा बना दिया जैसे कश्तियाँ लंगर अंदाज होती हैं इस दुनिया के बैलेंस को कायम करने के लिए, ये भी निज़ाम बनाया है, फिर बारिश भी वो बरसाता है, और ज़मीन से पौधे वही उगाता है, तरह तरह के पौधे उगाता है, तरह तरह के फल, तरह तरह की पत्तियाँ, तरह तरह के फूल। अब उसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि अंधो बहरो बताओ, खुदा के अलावा कोई है, कोई क्रिएटर है, कोई खालिक है, कोई है जिसने पैदा किया,
लेकिन जब कोई इंसान जालिम हो, सियाह दिल हो, सियाह दिमाग हो और उसकी फितरत ख़राब हो तो मतलब गुमराही में भटकता रहता है और हिदायत के करीब नहीं भटकता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।